साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मूल विधि नामक जो चैप्टर है उसमें से जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उसके संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। अगर निश्चित रूप से आप इसका नियमित अवलोकन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आईपीसी की धारा 493 से लेकर 498 तक विवाह अर्थात शादी मैरिज के संबंध में प्रावधान किया गया है कि मैरिज या शादी या विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 198 यह बताती है कि आईपीसी का जो चैप्टर 20 है जिसमें 493 से लेकर 498 तक शादी विवाह या मैरिज संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है, उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि दोनों तरफ से कोई कंप्लेन ना हो जाए, अर्थात या तो पत्नी की तरफ से कोई कंप्लेन हो या पति की तरफ से कंप्लेन हो, तभी इसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान में ले सकता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हम शामिल करते हैं। आईपीसी की धारा 493 में और 96 में यह बताया गया है कि मॉक मैरिज क्या है। मॉक मैरिज का मतलब होता है नकली विवाह। और 494 से लेकर 495 तक इन दो धाराओं में बताया गया है बाइगेमी, अर्थात जिसका मतलब होता है कि द्वि विवाह, दूसरा विवाह करने पर क्या अपराध है। आईपीसी की धारा 497 में यह बताया गया है कि एडल्ट्री क्या है, व्यभिचार क्या है। और उसके बाद 498 में यह बताया गया है कि क्रिमिनल इलोपमेंट, अर्थात उस अपराध के बारे में बताया गया है जिसमें कि विवाह संबंधित अपराध होता है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीसी की धारा 493। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 493 यह बताती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को धोखा देता है और धोखा इस प्रकार से देता है, छल करता है उसके साथ, यह बताता है कि वही उसका पति है और उस महिला को यह विश्वास हो जाता है कि अर्थात उसके साथ ना तो उसकी शादी हुई है ना तो अन्य कोई रस्म व रिवाज पूरा किया गया है, अर्थात वह उसका पति नहीं है, लेकिन वह पुरुष जो है उसको यह विश्वास दिलाता है और कहता है कि वही उसका पति है। इस प्रकार से वह महिला जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और एक पत्नी धर्म का जो निर्वहन करना होता है उसको करती है, तो यह जो है 493 के तहत जो है अपराध माना जाता है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई एक मुसलमान जाति का है, मुसलमान धर्म का मानने वाला है और वह किसी हिंदू महिला से शादी कर रहा है और यह बता रहा है कि वह भी हिंदू है, तो एक प्रकार से उसने धोखा दिया है। या कोई हिंदू पुरुष है और किसी मुस्लिम महिला से शादी कर रहा है और उसको धोखे में रखकर यह बताता है कि वह भी मुसलमान ही है, तो ऐसा करते हुए वह जो अगर धोखा देता है तो आईपीसी की धारा 493 के तहत उसे 10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना हो सकता है। इसको एक उदाहरण और लेते हैं, एक कपल है, अर्थात उनका बिहेवियर जो है एक पति और पत्नी की तरह है, लेकिन अभी जो है पति पत्नी की तरह जो है उनका शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है और वह पुरुष यह कहता है कि जो है कि वह उसके साथ पत्नी धर्म का निर्वहन करे, लेकिन वह महिला जो है इसके लिए राजी नहीं होती है, इनकार कर देती है, सहमत नहीं होती है और वह पुरुष जो है उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि चलिए अब तो हम आपके पति हो गए, और वह पत्नी वह जो महिला तैयार हो जाती है, तो यह जो है आईपीसी की धारा 493 के तहत जो है अपराध माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंदूर भरने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म रीति रिवाज में सप्तपदी विवाह का प्रचलन है जिसके अंतर्गत यह है कि जब तक वह पूरी रस्म पूरी नहीं करता है वह विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। आईपीसी की धारा 493 के संबंध में लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी पुरुष या महिला साथ साथ रह रहे हैं तो समाज भले ही उन्हें मंजूरी नहीं देता है लेकिन कानून उन्हें मंजूरी देता है। साथ में रहते हुए अगर कोई महिला अपने साथ में रहने वाले किसी पुरुष पर यह आरोप लगाती है कि उसने उसके साथ 493 का अपराध किया है, अर्थात उसको जो है नकली विवाह का धोखा देकर के जो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है, या जानते हुए कि उसका विवाह पहले हो चुका है, तो आईपीसी की धारा 493 इस पर लागू नहीं होगी। आईपीसी की धारा 496 यह बताती है कि अगर पुरुष या महिला इस बात को जान रहे हैं कि उनका विवाह अवैध है और पूरे मन से उन्होंने विवाह नहीं किया है, सिर्फ एक जो है नाटक किया है, तो यह जो है बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध है। यह 493 से भी बड़ा गंभीर अपराध माना गया है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है या कहीं कहीं पर आप कहानियों में पढ़े होंगे, या कोई एक लड़की है और उसका एक वसीयत किया गया है कि जब वह
20 साल की हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी समस्त प्रॉपर्टी, समस्त जितनी संपत्ति है वो उसके नाम हो जाएगी। वह जैसे ही 20 साल की होती है वह जो है अपनी संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए वह किसी दूसरे व्यक्ति से एक शादी करती है, वह नकली शादी करती है। उससे बात बताती है कि अगर हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा जो है हमारे नाम आ जाएगा और दोनों का शेयर हो जाएगा, और इस आधार पर दोनों शादी करते हैं। तो इसमें दोनों पति और पत्नी जो कि नकली विवाह कर रहे हैं या जानते हुए कि यह एक प्रकार का छल है समाज के साथ और हिंदू रीति रिवाज के साथ जो छल कर रहे हैं, आईपीसी की धारा 496 के तहत यह अपराध माना जाएगा। अर्थात दोनों ने समाज को धोखा दिया, हिंदू रीति रिवाज की जो परंपरा है उसके साथ उन्होंने नाटक किया है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि आईपीसी की धारा 493 और 496 में अंतर क्या है। आईपीसी की धारा 493 में सिर्फ पुरुष ही दोषी होता है, लेकिन आईपीसी की धारा 496 के तहत महिला और पुरुष दोनों ही दोषी हो सकते हैं, दोनों ही अपराध कारित कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 493 में यह बताया गया है कि पुरुष द्वारा सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपराध किया जाता है, अर्थात धोखा देकर के जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया गया कार्य जो है वह 493 के तहत आता है। लेकिन 496 में यह बताया गया है कि कपटपूर्ण व्यवहार के तहत दूसरे उद्देश्यों की प्राप्ति जैसे संपत्ति वगैरह की प्राप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। आईपीसी की धारा 493 में 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 496 में 7 साल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 494 यह बताती है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए कोई शादी कर लेता है, दूसरी शादी करता है, तो इसे अपराध बताया गया है। इसी प्रकार से अगर कोई महिला है और उसका पति जिंदा है फिर भी वह जो है दूसरी शादी करती है तो इसे भी जो है अपराध बताया गया है। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब चलते हैं हम आईपीसी की धारा 495 के संबंध में बात करते हैं। आईपीसी की धारा 495 क्या है, यह बताती है कि अपराध तो सेम है लेकिन 494 में अगर वह अपनी पत्नी को, अगर कोई पुरुष है और अपनी पत्नी को यह बता देता है कि वह दूसरी शादी करने चल रहा है तो इससे अपराध कम नहीं हो जाता है, तो फिर भी उसे 7 साल तक की सजा मिलेगी। चाहे पत्नी अपने पति से बता दे कि वह दूसरी शादी कर रही है या पति जो है अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से बता दे कि वह दूसरी शादी कर रहा है। जबकि आईपीसी की धारा 495 में यह बताया गया है कि वह छुपकर शादी करे, अर्थात अपनी पत्नी को भी न बताए कि वह दूसरी शादी कर रहा है और जो है पत्नी भी न बताए कि वह जो है दूसरी शादी कर रही है। तो ऐसा करने पर अगर कोई पुरुष ऐसा शादी कर रहा है, यानी अर्थात उसने अपनी पहली पत्नी से भी यह चर्चा नहीं किया है, नहीं बताया कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और तो इस प्रकार से वह दो प्रकार से दो महिलाओं को धोखा दे रहा है, एक तो अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है और दूसरा वह उस महिला को धोखा देने चल रहा है जिससे वह शादी कर रहा है, तो इसे ज़्यादा गंभीर अपराध बताया गया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने से जो है दंडित करने का प्रावधान है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईपीसी की धारा 494 में और 495 में अंतर क्या है। आईपीसी की धारा 494 में यह बताया गया है कि कोई भी पुरुष या महिला जब शादी करना चाहती है, दूसरी शादी, तो अपने पति या पत्नी से बताकर शादी करती है, जबकि 495 में बिना बताए हुए वह शादी करता है या करती है। तो इस प्रकार से 495 ज़्यादा गंभीर है क्योंकि वह दो लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जहाँ पर आईपीसी की धारा 494 में सिर्फ 7 साल तक की सज़ा है, वहीं 495 में 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइगेमी के संबंध में, द्वि विवाह के संबंध में, जहाँ हिंदुओं के संबंध में अलग प्रावधान है, वहीं पर मुस्लिम या अन्य दूसरे धर्म के लोगों के लिए अलग प्रावधान है। जहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला या पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, दूसरा विवाह शून्य माना जाएगा, वहीं पर मुस्लिम धर्म में इसे छूट दी गई है। मुस्लिम धर्म में यह बताया गया है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है, अर्थात उसकी 4 शादियाँ ऐसी हैं जिसमें उसकी पत्नी जीवित है, और अगर वह 5वीं शादी कर रहा है, अर्थात 4 शादी है जिसने उसने किया है और सभी चारों पत्नियाँ उसकी जीवित है और वह 5वीं शादी कर रहा है, तो इसे जो है 494 और 495 के तहत अपराध माना जाएगा। वहीं पर महिला के संबंध में यह बताया गया है कि अगर कोई महिला ऐसी है जिसकी पहली शादी तो हो चुकी है और उसका पति जीवित है लेकिन फिर भी वह दूसरी शादी कर रही है, तो वह भी 494 और 495 के तहत इसमें अपराध बताया गया है।